बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्रीमान नीतीश कुमार जी पर हुआ था मुकदमा दर्ज। बिहार के ही रहने वाले अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने मुजफ्फरपुर सीजीएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराए थे। आज महीना के अंतिम शनिवार होने के कारण आज पेशी होनी थी जो टल गई। अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने बताया कि नीतीश कुमार जी पर 3 साल के लिए सजा सुनाई जा सकती है। आइए पूरी रिपोर्ट देखिए हिमांशी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमांशी न्यूज, मैं आपके साथ मिथुन कुमार शर्मा। मुजफ्फरपुर सीजीएम कोर्ट में माननीय श्रीमान नीतीश कुमार जी पर मुकदमा दर्ज कराई गई थी जिसका तिथि आज था, लेकिन आज वह बहस होने से पहले ही वह डेट टल गई। और डेट टलने का मेन कारण बताया जा रहा है कि आज महीना का अंतिम शनिवार था और अंतिम शनिवार को बहुत ही जो इमरजेंसी केस रहती है, इमरजेंसी मुकदमा रहती है, उसको ही विशेष रूप से देखा जाता है, और जो बैक वाली मुकदमा रहती है उसको विशेष रूप से आज नहीं देखा जाता है, जिसके कारण आज बहस होने से टल गई। पूरा वीडियो में आप बने रहें, लेकिन सबसे पहले नीतीश कुमार जी के बारे में फिर से हम कुछ बोलना चाहेंगे। आप सभी को याद होगा कि नीतीश कुमार जी भरे संसद में बैठकर बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्पणी डाल रहे थे, जो बहुत ही महिला को सुनकर शर्मिंदगी महसूस कर रही थी, लेकिन आज फिर से उसका बारी आ गया जब अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह, जो मुजफ्फरपुर कोर्ट के अधिवक्ता हैं, वही अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने नीतीश कुमार जी के गलत टिप्पणी के वजह से, और महिला लोग जब वह वीडियो को सुनती थी उनको बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती थी, यही सब के वजह से अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने मुजफ्फरपुर के सीजीएम कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था जिसका पेशी आज होने वाली थी, जिसका बहस आज होने वाली थी, वह महीना का अंतिम शनिवार होने के कारण टल गया। लेकिन आप लोग ने सोचता होगा कि आखिर नीतीश कुमार जी ऐसा क्या बयान दिए थे, हो सकता है कहीं आप लोग विसरते होइएगा, तो जरा सा इस वीडियो पर नज़र डालिए, आपको पता चल जाएगा कि किस वीडियो के बारे में विशेष रूप से चर्चा हम कर रहे हैं। वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। बिल्कुल, आज एडमिशन के बिंदु पर सुनवाई के लिए निर्धारित था तिथि आज, लेकिन होता है कोर्ट में कि महीना का जो अंतिम शनिवार होता है उस दिन अर्जेंट मैटर को छोड़ करके कोई भी कार्रवाई न्यायालय में नहीं होती है, तो बेल मैटर के अलावे आज कोई भी किसी की भी केस में सुनवाई नहीं हुई। इसी वजह से मेरे केस में भी जो हमने दाखिल किया था वो नामांकन के बिंदु पर, एडमिशन के बिंदु पर आज सुनवाई नहीं हो सकी। कब होगी सर? 1 दिसंबर की डेट निर्धारित की गई है, उस दिन सुनवाई होगी। क्या परिचय हुआ? अनिल कुमार सिंह, अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय, मुजफ्फरपुर। जी हाँ, आपने नीतीश कुमार जी का बयान सुना और बयान सुनने के बाद आपको लगा होगा कि हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जिनके इशारों पर सभी लोग चलना जानते हैं, सीखना पसंद करते हैं, और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जरा सा आप अपने उम्र का भी तो ख्याल रख लेते कि आपके मुंह की वाणी क्या से क्या निकल गई, जिसके कारण आज मुजफ्फरपुर के सीजीएम कोर्ट में आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, लेकिन आज महीना का अंतिम शनिवार होने के कारण यह आज टल गई है। लेकिन अगला डेट भी निर्धारित किया गया है जो कि 1 दिसंबर का रखा गया है। फिर से अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने बताया कि आज महीना का अंतिम शनिवार होने के कारण तो आज डेट टल गई, लेकिन अगला तिथि 1 दिसंबर को रखी गई है, और उस दिन हम जरूर से जरूर इस मैटर पर बहस करेंगे। लेकिन अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने बहुत ही एक अच्छा जानकारी ये भी देते हुए चला कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर 3 साल की सजा यह केस में हो सकती है, जो उनके माध्यम से कहा गया है। आप बताइए ना सर, ऐसे ऐसे टिप्पणी जब भरे संसद में आप डालिएगा, सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो जाता है, जब यह बयान को कोई की या किसी भी प्रकार का समूह का वो ग्रुप में अगर बजा दिया जाए तो लोग शर्म के मारे मुंह नीचे कर लेंगे। लेकिन जब ये महिला आयोग के कुछ महिलाओं लोग का बयान आना शुरू हुआ तो नीतीश कुमार जी डायरेक्ट कल होके मीडिया पे आते हैं और संसद में जाकर भी बोलते हैं कि अगर हमारे बातों से आप लोगों को ठेस पहुंचा, अगर हमारे बातों से आप लोगों को शर्म लग रही है, तो हम हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे हैं, हमें माफ़ कर दीजिए, हम गलत बोल दिए। आप लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार जी को शर्म आना चाहिए, तो हमको शर्म भी आ रहा है, हमको माफ़ कर दीजिए, मेरे जवान से यह बात निकल गई, अगर आप लोगों को बुरा लगा तो आप लोग माफ़ कर दीजिए। अब बताइए बिहार के मुख्यमंत्री जी जो सीख दे रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण पर जो सीख दे रहे हैं, उसको कौन कौन लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, कौन कौन लोग नहीं कर रहे हैं। बोलने का तरीका, अगर कहा जाता है कि बिहारी को बोलने नहीं आता है, तो क्या नीतीश कुमार जी, आपको लोग जनता सत्ता में बैठाए हुआ है,
सैकड़ों हजारों लाखों वोट देकर आपको संसद में भेजा कि बिहार के लिए आप लड़िए, लेकिन वहां जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी इस टाइप का आप बयान दीजिएगा तो हमारे बिहार के नवयुवक को क्या होगा, वो क्या सीखेंगे। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट करके आप अपना प्रतिक्रिया भी बताइए कि इसमें क्या डिसीजन होना चाहिए और जो मुकदमा दर्ज कराई गई है अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह के माध्यम से उनको सपोर्ट के लिए आप क्या कहना चाहते हैं। फिर से लास्ट में एक ही शब्द बोलेंगे, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।